सर्दी के सीजन में एक नॉर्मल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि जैसे हमें कोई सी भी डिसीज हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो जिसको हम राइनिटिस कहते हैं, या फिर हमें ब्रोंकाइटिस हो या फिर निमोनिया हो, सभी के अंदर जो कफ नॉर्मल आता है उसके साथ में हमें बलगम देखने को मिलता है, या फिर जिसका म्यूकस का सिक्रेशन हमें देखने को मिलता है। क्या एक्चुअल वजह है इसकी, हम जानते हैं इस वीडियो में। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट की जो सेल्स होती है एपिथेलियम लाइनिंग में, वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और म्यूकस जो है उसके अंदर कई सारे एंटीबॉडीज पाई जाती है, साथ में ही ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरसेस के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सेल्स होती है वो एक थोड़ा सा थीक स्लरी मटेरियल्स का भी सिक्रेशन करती है, जिसको हम कफ कहते हैं या बलगम कहते हैं। ये एक्चुअल में एक तरीके से रिफ्लेक्स भेजने का काम करता है नर्वस सिस्टम को, जिससे कि जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको बाहर निकाला जाए, उसको एक तरीके से एक्सपल्शन रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर निकाला जाए, इस वजह से कफ का सिक्रेशन होता है। पर अगर कफ जैसे स्टार्टिंग में अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो उसमें कफ का जो कलर होता है वो नॉर्मल तरीके से हमें पेल कलर देखने को मिलता है, या कलरलेस देखने को मिलता है, जिसको हम व्हाइटिश कलर कहते हैं। थोड़ा सा इन्फेक्शन अगर बढ़ता है तो ये येलोविश कलर का हो जाता है, और फिर बाद में देखने को मिलता है जब हाईली इन्फेक्टेड हम हो जाते हैं किसी बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन से, तो ये ब्लू कलर का भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जरूर आप डॉक्टर को की सलाह ले सकते हैं।